हाय गाइस, माय नेम इज़ श्रेया एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ ल्यूक वॉर्म का सनस्क्रीन। दिस कम्स विद SPF 50 प्लस एंड PA++++ प्रोटेक्शन। दिस इज़ लाइक द अल्टीमेट प्रोटेक्शन दैट यू नीड। एंड आज के वीडियो में इसी सनस्क्रीन के बारे में फुल ब्लोन रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द रिव्यू। बिफोर वी डू सो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। So as always, let's begin with the packaging. It comes in this white tube and this is how the product looks like. यहाँ पे branding का information है, lukewarm लिखा हुआ है, sunscreen, SPF 50+, PA++++, और यहाँ पे सारे details हैं product के बारे में, इसमें क्या technology use हो रही है, sunscreen की क्या खासियत है, सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से mentioned है। उसके अलावा अगर आप टर्न बैक करोगे तो यहाँ पे क्लियरली पूरा लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड है, डायरेक्शंस टू यूज़ मेंशन्ड है, प्रोडक्ट यू नो कंपनी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, प्राइसिंग डिटेल्स, एवरीथिंग। लव द फैक्ट दैट दिस पीस इन इटसेल्फ इज सफिशियंट इनफ इफ यू वांट टू गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सनस्क्रीन। नाउ यूज करने के लिए इसका कैप ओपन करेंगे तो यहाँ नोजल से क्रीम बाहर निकलता है। लेट मी शो यू द टेक्सचर ऑफ दिस क्रीम। तो ये कुछ इस तरीके से है। द टेक्सचर इज़ वेरी लाइट वेट, काइंड ऑफ लाइक अ जेल टू क्रीम फ्लूइड कंसिस्टेंसी। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी लाइट वेट है एंड इतने अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर, लाइक लिटरली सेकेंड्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड एब्जॉर्ब होने के बाद आप देख ही सकते हो इट डज नॉट लीव एनी वाइट कास्ट। एंड यू कैन सी ये बहुत हाइड्रेटिंग है, बहुत मॉइस्चराइजिंग है, ओवरऑल स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से यू नो एब्जॉर्ब हो जाता है। इट इज़ जस्ट माइल्डली फ्रेग्रेंट, लिटरली दो मिनट बाद वो फ्रेग्रेंस चली जाती है। And the fragrance is so mild that it is not bothersome. So this particular sunscreen का 100 ml is for 879 rupees and you can get it from Lukewarm की website or you can get it from Amazon, Flipkart. So let's jump into the nitty gritty details of this sunscreen. तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कुछ key features के बारे में या benefits के बारे में। तो ये sunscreen का सबसे पहला benefit is that you are getting a very broad spectrum protection. Now इसमें SPF 50+ and PA++++ का protection आपको मिल रहा है। प्लस इसकी खासियत यह है कि ये प्रोलॉन्ग्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सो यू डोंट हैव टू री अप्लाई इट अगेन एंड अगेन। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि ये स्वेट प्रूफ है, सो व्हेन यू आर गोइंग आउटडोर्स एक्टिविटीज के लिए, से फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग ऑन अ बीच या यू आर गोइंग इन द सैंड, दिस इज एक्चुअली समथिंग विच इज वेरी वेरी यूजफुल। एंड स्विमिंग पूल में भी जा सकते हैं ये सनस्क्रीन पहन के, बिकॉज इट इज स्वेट प्रूफ, सो दैट इज द रीजन दैट इट रियली वर्क्स वेल व्हेन यू आर गोइंग आउटडोर्स। सो इसका थर्ड बेनिफिट ये है कि ये सिर्फ एक सनस्क्रीन नहीं है, बट इट ऑल्सो हैज सम स्किन बेनिफिट्स टू इट। इसका फॉर्मूला बहुत ही लाइट वेट है, नॉन इरिटेटिंग फॉर्मूला है, जिसकी वजह से ये सारे स्किन टाइप्स यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं विच वर्क ऑन द फाइन लाइन्स, विच वर्क ऑन डार्क स्पॉट्स, द प्रॉब्लमेटिक एरियाज, टेक्सचर्ड स्किन को स्मूथ करने में हेल्प करता है। दिस इज नॉट जस्ट अ सनस्क्रीन, बट दिस इज बेसिकली अ सनस्क्रीन with a moisturizer with some benefits of anti-aging. It's like a complete package of skincare, I would say. इसीलिए ये sunscreen से मैं बहुत impressed हूँ and that was like one of the reasons that I really wanted to review it for you guys. So now let's jump to the key ingredients जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ. Tinosorb M, stearic acid, carrot seed extract, raspberry seed extract, cyclopentasiloxane आर द 5 की इंग्रीडियंट्स। उसके अलावा और भी बाकी के इंग्रीडियंट्स इसमें प्रेजेंट है। एंड टीनोसॉर्ब एम इज द न्यू जनरेशन हाइब्रिड फिल्टर दैट प्रोवाइड्स द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल यूवे, दैट इज यूवीए एंड यूवीबी प्रोटेक्शन, प्रोवाइड्स अल्ट्रा हाई कवरेज एंड ट्रांसफॉर्म द रेज इनटू लेस डैमेजिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट्स माइक्रोफाइन ऑर्गेनिक पार्टिकल टेक्नोलॉजी रिफ्लेक्स एंड स्कैटर्स द हार्मफुल रेज अवे टू अवॉइड द स्किन डैमेज। इट इज ऑल्सो अ वेरी हाईली फोटो स्टेबल इंग्रीडियंट एंड लास्ट लॉन्गर ऑन द स्किन। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स थे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, आई विल लीव द लिंक टू देयर वेबसाइट, आप वहाँ पे जाके इनके सारे इंग्रेडिएंट्स चेकआउट कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस। मैं अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश से क्लीन करती हूँ, आई फॉलो इट अप विद अ मॉइस्चराइजर एंड देन सनस्क्रीन इज द लास्ट स्टेप इन द रूटीन। सो मैं अपने 3 फिंगर्स के ऊपर सनस्क्रीन लगाती हूँ एंड देन आई डैब इट ऑन माई फेस एंड देन आई यूज माई फिंगर टिप्स इन सर्कुलर मोशंस सो दैट दिस सनस्क्रीन गेट्स एब्जॉर्ब्ड कम्प्लीटली। एज यू कैन सी द टेक्सचर ऑफ दिस सनस्क्रीन इज वेरी लाइट जेल टू क्रीम फॉर्मूला एंड इट इज लाइक काइंड ऑफ हैज दैट फ्लूइड टेक्सचर टू इट, सो इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड रियली इजिली एंड इट डज नॉट लीव एनी वाइट कास्ट। मेरी रेटिंग इस क्रीम के लिए इज 10 out of 10। दिस इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स वेर आई एक्चुअली डोंट हैव अ सिंगल कॉन टू टॉक अबाउट। एब्सोल्युटली लव दिस क्रीम एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड यू टू ट्राई दिस वन। सो दैट्स इट गाइज, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड इट वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। एंड दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स विच इज अ मस्ट हैव इन एवरी गर्ल्स लाइफ बिकॉज यू कैन नॉट स्टेप आउट विदाउट यूजिंग अ सनस्क्रीन। सो हैविंग सेड दैट, आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो हियर।
Please subscribe to my channel, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I will see you very, very soon in my next video. Bye.